चलो गाइज, आज आपको लेके चलते हैं दोसा क्रस्ट, जो कि नागपुर की दी बेस्ट प्लेस बन चुकी है अब दोसा के लिए, क्योंकि वो अब प्रोवाइड कर रहे हैं दोसा, दोसे के साथ साथ दोसे को वो बना के दे रहे हैं मटके में। ओहो, मटके के बाद तो बात भाई, पहले तो इसका बैटर देखो, इतना हैवी बैटर और राउंड एंड राउंड जैसे उनका बैटर जा रहा है, आह भाई स्वादिष्ट मज़ा आ गया। उसके बाद वो डालते हैं उसके ऊपर ऑनियन भर भर के, जैसे वेजीज का तो पता ही पड़ रहा है कितनी ज़्यादा डल रही है। उसके बाद ऑनियन, टमाटोज, उसके बाद चटनी जा रही है, चटनी के बाद डालते हैं वो सॉस जिससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा, मिर्ची स्पाइसी। उसके बाद वो लोग डालते हैं चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स के साथ साथ ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा उसको टेस्ट पिज्ज़ा का भी दे रहे हैं, सेज़वान डाल के, मेयोनीज डाल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिज्ज़ा के टेस्ट वो लोग देंगे जो कि आपको बिल्कुल मटका पिज्ज़ा डोसा का टेस्ट देने वाले हैं। उसके साथ साथ अब यहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे उनकी मिंट मेयोनीज, जो कि बिल्कुल रिफ्रेशिंग टेस्ट देने वाली है। आहा, अब ये ग्रेवी बना के आपको अब लग रहा होगा कि वो ग्रेवी को बिल्कुल स्प्रेड करके आपको डोसे में देंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। वो अब इस ग्रेवी को बना के क्या करने वाले हैं वो आप आगे देखिए, मैं क्यों बताऊँ। अब इसको अच्छे से बिल्कुल पॉन्ड बना दिया गया है, समझो बीच में पानी ऐड कर देंगे, वो एक रहता है ना छोटा सा समुंदर, उसके जैसा लग रहा है ये बिल्कुल। अब ये बनेगा चीज का समुंदर। ओहो भाई साहब, मतलब मज़ा आ गया यार, इतनी ज़ोरदार चीज़। अब इसको पैक कर दिया गया ताकि ये हो जाए अच्छे से गर्म और मिक्स हो जाए बिल्कुल। आहा, अब ये हो चुका है बिल्कुल मिक्स, और अब इसको पाव भाजी के समान बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, पीस दिया जाएगा इसको बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये हमको बिल्कुल लजीजदार स्वाद दे दे खाने में। ओहो, अब इसमें ऐड कर दिया जाएगा हमारी फेवरेट टॉपिंग्स, जो कि है पनीर बिल्कुल अच्छे से फ्राई करके, ऑनियन, कैप्सिकम, जो कि बिल्कुल अच्छा रिफ्रेशमेंट टेस्ट देगा, एंड उसके बाद ऐड कर दिया गया है गार्लिक। उसके बाद उसको भी बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी में मेल्ट कर दिया जाएगा। ओहो, अब इसके बाद ट्विस्ट ये है कि ये जो ग्रेवी है वो अब डोसे में नहीं रहने वाली है, वो अब इन्होंने प्लेट में उतार दिया, और प्लेट में उतार के ये ग्रेवी जा कर रही है वो अब आप देखेंगे। ये ग्रेवी जाएगी मटके में, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गार्निश किया गया है पत्ता गोभी, बीटरूट, मेयोनीज, कैरोट के साथ। आह, इतनी गरम गरम ग्रेवी मटके में, और अब ये डोसे का बनने जा रहा है कोन। ओ भाई, इतनी ज़्यादा जोरदार रेसिप। अब ये कोन बनने के साथ साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी अब शुरू होगी मेयोनीज के सर्कल्स के साथ, और उसके बाद ऐड ऑन होगा यहाँ पे चीज का भंडार। ओहो भाई, मतलब इतना पैसा वसूल।